फ्रेंड्स, अगर आपकी स्माइल ब्यूटीफुल है तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे रहेगा। तो अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं है तो वो ब्यूटीफुल करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है डेंटल पायरिया। मैं स्माइल की आज बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके मुंह में आपको पायरिया की प्रॉब्लम है तो आप कॉन्फिडेंटली स्माइल नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेंटल पायरिया में मसूड़ों की सूजन होती है, मसूड़ों से खून आता है, और सबसे बुरी जो बात है वो है कि मुंह की बहुत गंदी बदबू आती है, जिसको हम हेलिटोसिस या फिर बैड ब्रेथ के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है तो आप किसी के साथ भी कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते हो, आपके बातों में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, अपने आप आपका जो खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं पे लो हो जाता है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है डेंटल पायरिया। जैसे मैंने बोला, पायरिया में क्या क्या होता है ये तो आपने पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि उसमें मसूड़ों में सूजन आती है, दांत की जो जड़ें हैं उसमें दर्द होता है, बोन लॉस होता है और मुंह से बदबू आती है। ये सब चीज़ें जनरलाइज पायरिया में होती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कारण क्या है। देखिए, मैंने डेंटल पायरिया के ऊपर दो वीडियो ऑलरेडी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जो पार्ट मैंने उस वीडियो में नहीं कवर किया था वो मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो होने के बाद उन दो वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना, तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे उसके कारण और उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, डेंटल पायरिया के जो कारण है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल कारण है, ऐसा नहीं कि उसका एक ही रीज़न है। मैं आपको कुछ मेन रीजंस बताऊंगा के कारण डेंटल पायरिया जनरली होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाएगी कि आप वो गलती तो नहीं कर रहे हो। देखिए, डेंटल पायरिया का सबसे मेन और पहला रीज़न है कि अनप्रॉपर ओरल हाइजीन रखना, टाइम टू टाइम ब्रश नहीं करना, दांतों की सफाई ठीक से ना करना, रात में सोने से पहले ब्रश ना करना, ये एक कॉमन डेंटल पायरिया का रीज़न में थे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर प्रॉपर दांतों की सफाई नहीं होती है तो प्लाक अक्यूमुलेशन होता है। प्लाक मतलब दांतों के बीच में पीला जो पन दिखता है उसको हम प्लाक बोलते हैं, और अगर वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाया या फिर अच्छी तरह से क्लीनिंग उसकी नहीं की तो उसके ऊपर लेयर बाय लेयर जमा होती है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड पार्टिकल्स लेते हैं तो वो चिपकता है और उसके ऊपर लेयर बाय लेयर फॉर्म होती है और फिर कैलकुलस का फॉर्मेशन होता है। कैलकुलस मतलब एक हार्ड स्ट्रक्चर रहता है जो दांतों के आजू बाजू के एरिया को कवर करता है, और कैलकुलस जनरली अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलस हो गया तो फिर वो आपका जो मसूड़ों का लेवल है उसको नीचे नीचे शिफ्ट करता है। मतलब अगर नीचे के दांत रहेंगे और अगर आपके नीचे के दांतों में कैलकुलस रहेगा तो फिर नीचे का जो मसूड़ों का लाइन है जिसे हम गम लाइन बोलते हैं वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर के दांतों की ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो। तो ये पायरे के कारण होता है। तो अगर आप प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सक्षम हो तो आपको डेंटल पायरिया की समस्या नहीं होगी। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको पायरिया की समस्या होगी। फिर पायरिया में सूड़े फूलते हैं, उसने खराब खून जमा होता है और वो खून निकलते रहता है, उसके वजह से मुंह का स्मेल आता है, जिसे हम बैड ब्रेथ भी कहते हैं। उसका दूसरा रीज़न हो सकता है कि अगर आप पान मसाला, गुटखा या फिर टोबैको च्यू करते हो या खाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो तो उसके कारण भी आपको पायरिया की तकलीफ हो सकती है। तीसरा रीज़न हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत बार प्रेगनेंसी में, कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या फिर मेनोपॉज, मतलब अगर आपकी एज 45-50 के अराउंड है या फिर उसके ऊपर है तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी मसूड़ों में सूजन आ सकती है और उसके कारण भी पायरिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। या चौथा कारण हो सकता है कि अगर आप कोई मेडिकेशन पे हो, अगर आप हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक पेशेंट हो और आप कंटिन्यू मेडिसिंस लेते हो तो उसके कारण भी आपको डेंटल पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं आपको जनरलाइज उसके रीजंस बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। तो ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से पायरिया हो सकता है।
अभी इसका जो ट्रीटमेंट पोर्शन है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, मतलब इसमें सर्जिकल अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच रहता है, तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सिंपल सा आपको ट्रीटमेंट, जो घरेलू उपचार है, वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको डेंटल पायरिया की प्रॉब्लम है और वो स्टार्टिंग फेज में है, तो आप एक क्लो ऑयल या फिर जिसे हम लौंग बोलते हैं, जो कि हर एक के घर में रहती है, उसका यूज़ कर सकते हो। लौंग को दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर को और इवनिंग में, एक एक लौंग को मुंह में रख के चबा सकते हो या फिर चूस सकते हो। तो उसका जो भी जूस तैयार होगा और उस जो भी जूस तैयार होगा तो लौंग में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहती है, जिसे हम क्लो ऑयल भी बोलते हैं, वो भी मार्केट में आपको मिल सकता है। तो लौंग अगर आप चबाओगे तो उसके कारण उसमें जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, वो हमारे सलाइवा में मिक्स होके आपका जो पायरिया का प्रॉब्लम है वो ठीक करने में कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकता है। मैं नहीं कहता हूँ कि यही आपका फाइनल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, नहीं, ये डिपेंड करता है पेशेंट के केस टू केस डिपेंड करता है कि आपका पायरिया का एक्सटेंट कितना है वहाँ तक। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हो, हल्का सा आपके मुँह का स्मेल आता है, तो आप इस होम रेमेडी का यूज़ कर सकते हो। और अगर सर्जिकल अप्रोच आप देखना चाहते हो तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके डिटेल में देख सकते हो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं और एक ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक।